प्राचीन श्री देवी भय भुंजनी पिंडी स्वरूप गढ़ माता मंदिर को नई राहें नई मंजिलें योजना में शामिल कर आकर्षक धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विकास कार्य की समीक्षा करने और प्रगति का जायजा लेने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपने नैसर्गिक सौंदर्य, अच्छे वातावरण और अनुकूल जलवायु के कारण दुनिया भर के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। प्रतिवर्ष यहां लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक प्रकृति का आनंद लेते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को और अधिक संख्या में आकर्षित करने तथा पर्यटन क्षेत्र में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना नई राहें नई मंजिलें आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ऐसा पर्यटक स्थलों का चयन किया जा रहा है जहां प्रकृति ने अपने सौंदर्य की अद्भुत छटा बिखेरी है, लेकिन ये क्षेत्र पर्यटकों की पहुंच से दूर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में ऐसे ही खूबसूरत पर्यटक स्थलों को विकसित कर विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में प्रदेश के जंजैहली, चांशल, लारजी तथा कांगड़ा जिला के बीट बिलिंग और पोंग जलाशय क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पालमपुर उपमंडल का गढ़ माता मंदिर में लोगों की अटूट आस्था और विश्वास है। यहाँ एक प्राचीन किला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। बहुत प्रतिष्ठा है, लोग आशीर्वाद लेने के लिए उस मंदिर में आते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इस मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए धनराशि भेजी थी। आज पूरी की पूरी जो मंदिर कमेटी है और वहां के पुजारी हैं और प्रशासन, पूरा प्रशासन वहां पर उपस्थित था। उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श हुआ है। नई राहें नई मंजिलों के तहत जो है हम एक रास्ते का निर्माण करेंगे, ट्रैकिंग जो एक रास्ता होगा ट्रैकर्स के लिए, वो पुरौर से लेकर के गढ़ माता के चरणों तक बनाएंगे। बीच में किसी एक स्थान पर अच्छी पार्किंग बनाएंगे और जो ट्रैकिंग साइट होगी वहां पर लाइट्स लगेंगी, व्यू साइट बनाएंगे, पॉन्ड्स बनाएंगे। एक बहुत बड़ा प्राकलन जो है हम तैयार करके हिमाचल प्रदेश सरकार के पास भेजेंगे। और जहां ये हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पठानकोट मनाली के बीच में जो ये हमारा एक स्थान है जहां पर हमारा राधा स्वामी सत्संग व्यास परोर के रूप में एक पवित्र स्थान है, वहीं पर गोविंद आश्रम के रूप में एक बहुत बड़ा मठ है, वहीं पर गढ़ माता के रूप में गढ़ माता हमारे लिए एक श्रद्धा का केंद्र है। तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं उसका सौंदर्यकरण होगा, वहां पर ट्रैकिंग के लिए एक रास्ता बनाया जाएगा, लाइट्स लगाई जाएंगी। आज का दौरा प्रशासन के साथ मिल करके मैंने पूरा किया है और अभी दोपहर बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला। अच्छी व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाएं प्रशासन ने बहुत बढ़िया बनाई है, पूरी की है, उनको मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और मैंने कहा भी है कि यहाँ अब जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो नीचे गद्दों पर नहीं सोएंगे, उनके लिए हम बिस्तरों की चारपाई की व्यवस्था आने वाले दिनों में आज से ही हम शुरू करेंगे, ये प्रशासन को मैंने आदेश दिए हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इसके पश्चात इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर राधा स्वामी सत्संग व्यास परोर का दौरा किया। उन्होंने यहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लोगों से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने कहा कि अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे गए लोगों को प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से राधा स्वामी सत्संग परोर स्वयंसेवियों बढ़िया सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब यहां रहने वाले लोगों को सोने के लिए चारपाई भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग परोर स्वयंसेवियों, प्रशासन, पुलिस और सफाई कर्मचारियों के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में दिन रात निस्वार्थ सेवा के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि परोर स्थित गोविंद आश्रम में संस्कृति कॉलेज भी स्थापित किया जा रहा है जिसमें निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने रजू स्थित पीरा आईटीआई के कार्यस्थल का दौरा भी किया। मैं राधा स्वामी सत्संग परोर के उस बड़े हॉल में खड़ा हूँ जहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के रूप में हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हैं
और मैं देख रहा था कि लगभग पिछले 3 महीनों में अनुमानित 3500 लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर 6 दिन रहे, 7 दिन रहे, उनका टेस्ट हुआ, जो नेगेटिव हुए वो घर चले गए, जो पॉजिटिव थे उनको बैजनाथ और डाट के कोविड सेंटर में रखा गया। मेरा ये तीसरा दौरा है और इस तीसरे दौरे में मैंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की है। मैं प्रशासन का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, पुलिस कर्मियों का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, सफाई कर्मियों का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, SDM साहब और उनकी तमाम टीम का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि इस महामारी को किसी एक स्थान पर रोकने के लिए, रोकथाम के लिए जो ये सेंटर बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी स्प्रेड में रोकने के लिए ये सेंटर जो है ये एक महत्वपूर्ण रूप में देखा जा रहा है।